गाइस एग्जांपल नंबर 40 की तरफ को देखिए, ये ग्रेविटेशन का है और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की बात छोड़ो, आपके सेशनल एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ। मेरे पास कोई एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ के मुकाबले जस्ट डबल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दे रखी हैं उसको आप एज इट इज़ लिख लो। आपसे कह रखा कि जो अननोन प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट है उसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ अदर प्लैनेट, ठीक है, मैं आर ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अदर प्लैनेट जस्ट डबल है रेडियस ऑफ द अर्थ के। ये कंडीशन दे रखी है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये मुझे गिवेन है। हमसे कह रहा है बट देयर एवरेज डेंसिटीज आर सेम, लेकिन जो दोनों प्लैनेट है अर्थ और वो प्लैनेट जो आपने एज्यूम किया है अदर प्लैनेट, इन दोनों की एवरेज डेंसिटी सेम है, ठीक है, ये अच्छी बात है। हमसे कह रहा है इफ द एस्केप वेलोसिटीज एट द प्लैनेट एंड द अर्थ आर वी पी एंड वी ई, तो इसको भी आप एक काम कर लो, वी पी कह दो। आपसे कह रखा है कि जो अदर प्लैनेट है उस पर एस्केप वेलोसिटी वी पी है, क्या है, वी पी है। हमसे ये बोला ना इफ द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट एंड एट द अर्थ आर वी पी एंड वी ई रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट, तो फिर आपको ये प्रूव करके दिखाना कि वी पी जो होता है वो टू टाइम्स ऑफ वी ई होता है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज डेंसिटी आपको सेम दे रही है तो इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे पहला आप बताओ मुझे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट टू जी एम अपोन आर, ठीक है। अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो यहाँ पर एम ई हो जाएगा, यहाँ पर आर ई हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ये है, ठीक है। अब मैं ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों प्लैनेट के लिए लगा दूँ, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एकदम समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है वी पी अपॉन वी ई, तो वी पी मतलब प्लैनेट का, तो यहाँ पर रखोगे टू जी एम पी अपोन आर पी, ऐसे नीचे लिखोगे स्क्वायर रूट टू जी एम ई अपोन आर ई। नीचे डेटा जो लिखा हुआ है ये अर्थ का लिखा हुआ है और ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है ये प्लैनेट का लिखा हुआ है। देखो टू से रूट के अंदर टू है ये कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी स्क्वायर रूट एम पी अपोन आर पी, और ये आर ई ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर ई अपॉन एम ई, ठीक है भाई। इतनी बात होने के बाद अब आप जो है मास रखेंगे, अर्थ का मास और प्लैनेट का मास। आपको अर्थ का मास और प्लैनेट का मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना। अब आप वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे मास ऑफ प्लैनेट तो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं आपको बताऊँ वॉल्यूम कितना होता है, तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। और डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो ये रो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास निकल कर आया मास ऑफ प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है उसका मास, तो मैं कहूँगा उसका वॉल्यूम दैट इज़ 4/3 πr³, क्योंकि रेडियस मुझे उस प्लैनेट की यूज़ करनी है, और डेंसिटी को आप रो रहने दो क्योंकि डेंसिटी दोनों प्लैनेट की सेम है, ठीक है। और यहाँ पर आर ई चल रहा था इसको भी आप एज इट इज़ लिख लो, अच्छा नीचे आर पी चल रहा था इसको भी आप एज इट इज़ लिख लो, लेकिन मास ऑफ अर्थ इसको कैसे लिखोगे, इसको भी आप ऐसे लिखोगे वॉल्यूम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, यह हो गया मास, अर्थ का मास तो अर्थ का वॉल्यूम, अर्थ की डेंसिटी, ठीक है। ये थोड़ी एज फालतू हो रही है, इसको मिटा दो। अब ये इधर क्या चल रहा था, वी पी अपॉन वी ई ये चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, यस देखो क्या क्या कट रहा है, मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूँ। 4/3 से 4/3 πr कट गया, ये पूरा पाइप से पाई कट गया, ये सब कट गया, ठीक है। डेंसिटी से डेंसिटी कट गया क्योंकि ये सेम दे रखी है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रखा कि एवरेज डेंसिटी जो है वो सेम है, तो आप डेंसिटी को काट दोगे। अब आपके पास क्या बचा, देखो ये ऊपर आर पी का क्यूब है, नीचे एक आर पी है, तो एक आर पी से ये क्यूब कट के पावर 2 रह जाएगी, तो ये हो जाएगा आर पी का स्क्वायर।
अच्छा ऐसे ही ऊपर आर ई है, नीचे आर ई का क्यूब है, तो यहाँ पर पावर दो बचेगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है आर पी का स्क्वायर और नीचे आर ई का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, जब स्क्वायर से आप रूट काट दोगे तो ये वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी वी पी अपोन वी ई की, क्या निकल कर आ जाएगी आर पी अपोन आर ई। इतना सॉल्व करने के बाद अब आप कंडीशन यूज़ करेंगे, क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ का पता है कि आर पी जो होता है वो टू टाइम्स होता है आर ई के, तो आर पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो आपके पास वी पी अपॉन वी ई निकल कर आ जाएगा, आर पी की जगह रख दो ये हो जाएगा टू आर ई और नीचे हो जाएगा आर ई। मैं इसको ऐसे दिखाऊँ इस मोल में ही तो ज़्यादा बेहतर होगा, आर ई, तो आर ई से आर ई कट गया तो ये वी पी इज इक्वल टू आ गया टू टाइम्स वी ई के, बस ख़त्म। और यही आपसे प्रूफ करवा रहा था कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट पर जस्ट डबल होगी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का। एवरेज डेंसिटी सेम है लेकिन उस प्लैनेट की जो रेडियस थी वो डबल थी, ये मैं नहीं कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था। तो होप सो समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल वे में मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, तो आप इसमें मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में तोड़ के लिखेंगे तो डिट्टो सॉल्व करते चले जाएंगे तो एज इट इज़ आपका आंसर आ जाएगा। होप सो वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।